मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भव्य बारात निकाली गई। श्री राम की बारात का शुभारंभ महाराजा तेज सिंह किला स्थित श्री राम जानकी मंदिर से किया गया, जो पूरे शहर में कौतूहल का विषय बनी रही। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान राम बारात को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन कोरोना के चलते राम बारात पर खासा असर पड़ा। शनिवार के दिन लगभग 3 दर्जन झांकियों के साथ भव्य रूप से भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। भगवान श्री राम की बारात का शुभारंभ महाराजा तेज सिंह किला स्थित राम जानकी मंदिर पूरे विधि विधान के साथ किया गया। यहां हवन पूजन करके प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। मंदिर में हवन पूजन पंडित शील नामाचार्य ने किया। यहाँ भगवान श्री राम की बारात को लेकर केरल की झांकी मुख्य आकर्षक का रूप रही। इस वर्ष राम बारात में लगभग 3 दर्जन से अधिक झांकियां शामिल हुईं। राम बारात में 4 लोकल बैंड, ढोल बाला बैंड, काली का अखाड़ा, विभिन्न स्वरूपों में 5 रोड शो भी शामिल थे। कोविड-19 के चलते राम बारात प्रतीकात्मक रूप में निकाली गई, जिसमें कोविड-19 के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया। भगवान श्री राम की बारात को देखने के लिए शहर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जब भगवान श्री राम की बारात बाजार से गुजर रही थी तो लोग उत्साहित होकर भगवान श्री राम की बारात का आनंद ले रहे थे। भगवान श्री राम की बारात घंटों तक शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान जाकर समाप्त हुई, जिसके बाद कोऑपरेटिव बैंक मैदान में 10 अक्टूबर के दिन बनाई गई जनकपुरी में पूरी विधि विधान के साथ भगवान श्री राम और सीता का विवाह सम्पन्न हुआ।